हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन मैनेजमेंट एकेडमी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी बाय आकिबार हमदानी। गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के, जो बीबीए में पास्ट ईयर की एग्जाम में जो पूछे गए हो, रिपीटेटिवली पूछे गए हो। फर्स्ट इज द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 121। Find the sum of its first 11 term. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमें तो ये देखेंगे टी एन की फॉर्मूला क्या है। टी एन इज इक्वल टू nth टर्म की फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। और सम ऑफ एन टर्म की फॉर्मूला क्या है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारी इस तरह की फॉर्मूला रहेगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर टी एन, इट मीन्स के यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म, तो टी सिक्स लेंगे। तो टी सिक्स में ए तो हमारे पास है नहीं, तो हम ए से ही रखेंगे, प्लस एन माइनस वन इट मीन्स सिक्स माइनस वन, डी हमारे पास नहीं है तो डी पास रहेगा। तो टी सिक्स इज इक्वल टू, अब हमें टी सिक्स क्या दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 121 इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स माइनस वन इट मीन्स फाइव डी। Yes, ये हमारे हो गया इक्वेशन नंबर वन, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम एसएन की फॉर्मूला में को क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। पहले 11 टर्म को हमें फाइंड आउट करना है, तो एस 11 फाइंड आउट करेंगे। एस 11 में एन इज इक्वल टू क्या आएगा, 11 आएगा, तो एन बाई टू इट मीन्स 11 बाई टू इन टू ब्रेकेट टू ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इट मीन्स 11 माइनस वन, 11 माइनस वन इट मीन्स 10 डी। चलो यहाँ पर 2 और 10 d में से 2 कॉमन निकलेगा, तो 11 बाई 2 ब्रैकेट में 2 कॉमन निकलेगा और अंदर में रहेगा a प्लस 5 d। चलो 2 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 11 ब्रैकेट में a प्लस 5 d। लेकिन हमें तो यहाँ पर a प्लस 5 d की कीमत यहाँ पर 121 दी हुई है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में रख लेंगे 11 इंटू 121। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है 121 into 11। अगर हम 121 into 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1331। तो हमें आंसर जो चाहिए था वो मिल गया, S11 पहली 11 टर्म का सम होगा 1331। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें क्वेश्चन देख के जो थिंक करना है कि हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। देख रहे हैं इससे थोड़ा टफ लेवल का है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इन जीपी इज 729, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन जीपी इज 729 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 819। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां पर लिखेंगे, लेट्स एज्यूम थ्री नंबर्स ऑफ जीपी R, A by R, A and A into R. GP मतलब क्या रहता है, रेशियो में रहता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में रहता है, और AP क्या रहता है, प्लस में रहता है। तो यहाँ पर A by R, A और AR तीनों हुआ। अब क्या कहा इसने, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन GP, GP के नंबर के जो प्रोडक्ट है उसमें क्या लिया हुआ है, A by R इंटू ए इंटू ए इंटू आर, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू 729। इट मीन्स के आर और आर यहाँ पर कट हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 729। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 रेस टू क्यूब आएगा, 9 का क्यूब आएगा 729। चलो अब ए इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 9, ए इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ गया। अब हमें आगे कुछ करना हो तो हम कर सकते हैं, क्या सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 819। यहाँ पर हमारे पास सम थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन कर रहा हूँ, इस तरह से हमको लिखना है। चलो देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इट मीन्स के ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 819। अब हम सब जगह पर से ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ब्रेकेट वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 819। अब ए क्यूब का मतलब यहाँ पर हमारे पास जो भी हैगा वो हम यहाँ पर ए क्यूब ऐसे ही रखेंगे, और हम यहाँ पर लास्ट में जाएंगे ए स्क्वायर
यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है ए क्यूब नहीं है, वो हमारे पास है ए रेस टू ए का पावर 2 है, क्योंकि हमने ए स्क्वायर कॉमन निकाला है, 1/r² + 1+r². अब इसे अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू 9 है, तो 9 स्क्वायर। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 1 + r² + r² और आर स्क्वायर क्या होगा, r^4 = 8, 1 9 अपॉन यहाँ पर आएगा r². अब 9 स्क्वायर यहाँ पर है, उसमें से एक 9 को मैं निकाल के क्या डाल दूंगा, इसके अंदर डिवाइड में डाल दूंगा, तो यहाँ पर एक 9 बचेगा और 1 + r² + r^4 = 8, 1 9 / 9। 8 1 9 / 9 करेंगे हम, तो 8 1 9 / 9 हमारे पास आएगा आंसर 91। तो 91 यहाँ पर कर दिया मैंने, और यहाँ पर जो आर स्क्वायर था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा r², तो 9 ( 1 + r² + r^4 = 91 r². अब मैं क्या करूंगा, r² = t एज्यूम कर लूंगा, ताकि हमको कैलकुलेट करने में इजी रहे। तो 9 ( 1 + t + t² = 91 t, इस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब क्या करना है हमें आगे, 9 को ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट, 9 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, 9 into 1 9 + 9 into t 9t + 9 into t² = 9t² = 91 t। अब इसको मैं इक्वेशन के स्टाइल में मतलब इसको अरेंज कर दूंगा, 9t² - अब 91t यहाँ से इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 - 91 इट मीन्स के -82 t + 9 इज इक्वल टू, इस तरफ कुछ नहीं गया, जीरो बचेगा। अब 9 9 = 81, हमको क्या करना है, आगे प्लस दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करते हुए 82 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हुए 81 आना चाहिए, और प्लस करते हुए 82 आना चाहिए, तो 81 जो खुद है वही उसका 82 आ जाएगा, 81 1 = 81, और 81 + 1 = 82। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9t² - 81t - 1t, तो यहाँ क्या हो गया, 81 * 1 = 82, माइनस माइनस प्लस, 81 + 1 = 82, 81t + 9 = 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 9 कॉमन निकलेगा और t कॉमन निकलेगा, तो t - 9 माइनस यहाँ पर 1 कॉमन निकलेगा, अगेन t - 9 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9t - 1 = 0 और t - 9 = 0, तो हमारे पास आंसर आएगा t = 1/9 और t = 9। t में क्या दिया हुआ है, r स्क्वायर, तो r² = 1/9 और r² = 9, तो r की दो वैल्यू आएगी, r = 1/3 और r = 3। यहाँ पर हमें इतना तो पता चल गया, r भी मिल गया और a भी मिल गया, तो a बाई आर को हम लिखेंगे a बाई आर इंटू ए इंटू ए आर। अब हमने मान लो कि हम लोगों ने r = 3 को ले लिया है, तो a की वैल्यू क्या थी, 9 थी, तो 9/3 इन और दूसरा आएगा a, इट मीन्स के 9 खुद आएगा और तीसरा आएगा 9 * 3 9 * 3, तो हमारे पास सीरीज मिल गई 9/3 = 3, 9 और 9 3 = 27, ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। अगर आप चाहो तो आप दूसरी सीरीज भी बना सकते हो, जिसको मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ, r = हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो r = हमारे पास 3 है, दूसरा r = 1/3 है, तो हम लोगों ने 3 के हिसाब से तो ले लिया, अब 1/3 के हिसाब से लेते हैं, a / r = 9 / 1/3, 3 आएगा ऊपर, इट मीन्स के 9 3 = 27, फिर आएगा a, तो उसमें तो 9 खुद आ जाएगा, और a * r, तो a * r में क्या आएगा, 9 * 1/3 = 3, तो यहाँ पर आएगा a/r, a और ar, उसका आंसर यहाँ पर आएगा a/r में आएगा 27, 9 और 3, इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं, दोनों तरफ से आंसर कर सकते हैं, ये सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, हम दूसरे लेक्चर मिलेंगे दूसरे दो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सम के साथ, एपी और जीपी के। थैंक यू सो मच, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी एट माई मेल एड्रेस। थैंक यू सो मच।